तो हेलो गाइस, दिस इज साहिल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DJI Mavic Mini 2 ड्रोन के बारे में। तो जो कि इसकी हाइट है 15 मीटर की, तो इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि इसकी हाइट को हम 15 मीटर से 500 मीटर तक DJI Fly ऐप से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में रेनबो, DJI Fly दोनों ऐप डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर रेनबो लिखोगे तो ऐसा कुछ ऐप आएगा, तो उसको आप इंस्टॉल कर लेना। वैसे जैसे ही आप इसको करोगे कनेक्ट फ़ोन के साथ, तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, देख सकते हो। DJI पे क्लिक करना है पहले, सबसे पहले हमें। तो देख सकते हो। तो गाइस, अभी हमारा हो चुका है DJI का ऐप ओपन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप एल्टीट्यूड देख सकते हो कि 15 मीटर शो कर रहा है। अगर मैं 15 मीटर से आगे जाऊँगा तो ये नहीं जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें अपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। इससे डिस्कनेक्ट करके हमें देन इसको क्लोज नहीं करना अच्छे से। तो अभी हम इसके बाद फिर से इसको लगाएंगे। तो अभी हमें रेनबो जो है उसको ऑन करना है। तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा इसमें ऑप्शंस। तो इसमें आपको कनेक्ट ड्रोन करना है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरा जो एयरक्राफ्ट है वो इससे कनेक्ट हो गया। तो अभी हमें जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाके एयरक्राफ्ट में जाना है, और इसका जो मैक्स एल्टीट्यूड 15 मीटर सेट है, इसको हमें चेंज करके, मैं सबसे पहले कर लेता हूँ 120, और ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये आपको वार्निंग भी देगा, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। सिंपली बंद करके आपको दोबारा से निकाल देना है बाहर। तो अब इसमें आपको दोबारा लगाना है, और अब आपको खोलना है DJI Fly ऐप। तो अब इसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका मैक्स एल्टीट्यूड है वो 120 मीटर तक सेट हो चुका है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्लाइट उड़ाना चाहते हो अपने ड्रोन को, तो DJI Fly ऐप से ही उड़ाएं। तो चलिए अब मैं टेस्ट करता हूँ इसका कि ये 120 मीटर तक जाता है या नहीं। तो देख सकते हो कि मैंने ड्रोन को ऑन कर लिया है। तो इसकी फ्लाइट करते हैं अभी, और ये इसको लेके जाते हैं ऊपर। और आप यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये 15 मीटर से ऊपर जाता है या नहीं। और 12 मीटर तक जा चुका है, और 14, और ये 15, और ये 16। अब देख सकते हो कि इसका जो हैक है वो हो चुका है, और ये 28। तो ये आप देख सकते हो कि ये 50 मीटर तक जा चुका है, और अभी हम इसको 100-120 मीटर तक लेके जाएंगे। तो देखिए कि कितनी हाइट पे आ चुका है, और पूरे मेरी जो सिटी का पूरा व्यू मुझे मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 देख सकते हो। अब इसको नीचे लाते हैं, और ड्रोन मुझे यहाँ से वो दिख रहा है काफी ऊपर, कैमरे में भी जस्टिफाई नहीं होगा। तो अब इसको लाते हैं नीचे। ऐसे ही आप अपने ड्रोन को 500 मीटर तक हाइट तक लेके जा सकते हो। मैं नहीं लेके गया, मैं 120 मीटर तक ही लेके गया, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और हाँ, कि आप रेनबो फ्लाई ऐप से अपना ड्रोन फ्लाई ना करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये स्टेप फॉलो करके आप DJI Fly से करें, क्योंकि ड्रोन एक बहुत महंगी चीज़ है।
किसी भी ऐसे ही कोई ऐप से इसको फ्लाई ना करें, DJI फ्लाई का जो ओरिजिनल ऐप है उसी से करें। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी नई अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Artificial love, artificial love, artificial love, artificial love.